स्वागत है आप सबका मेरे चैनल गेमिंग एंडोज पर। तो गाइज मैं आप लोगों के लिए एक और न्यू ट्रक सिमुलेटर गेम लेके आ गया हूँ। गाइज ये बिल्कुल न्यू गेम है और एक ट्रक सिमुलेटर गेम है। तो चलिए गाइज फटाफट से इस गेम को खेलना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइज ये मेरा ट्रक है और गेम को खेलना स्टार्ट करते हैं, तभी आपको पता चलेगा कि इसमें क्या मिशन हमने करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये अब गेम की स्क्रीन ओपन हो गई है। तो अब ये अभी आप देख सकते हो इस टाइम अभी यहाँ पे बारिश हो रही है और ये है मेरा ट्रक। मुझे इसके साथ कनेक्ट करना होगा एक ट्रॉली। ठीक है, ट्रॉली हो सकती है, उसके पीछे कोई भी सामान हो सकता है, वो एक ट्रेलर हो सकता है, इसमें कोई भी फूड आइटम हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो मैं चारों तरफ से आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए अब देखिए जो ट्रक और बस सिमुलेटर गेम होते हैं उन गेमों में क्या होता है कि जो जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहीं से, मतलब मैंने दिखाया कि अब जैसे कि यहाँ पे यहाँ मुझे ट्रेलर अटैच करना पड़ेगा अपने साथ। तो ये इनका एक, ये मान के चलिए इनका एक सर्विस स्टेशन है और इनका एक डिपो है। ठीक है, तो जैसे बस डिपो होता है वहाँ से बस प्रस्थान करती है, तो उसी प्रकार से ये ट्रक भी यहाँ से भी प्रस्थान करने वाला है। तो सबसे पहले मैं इस गेम को कुछ खास बातें बता देता हूँ। ये गेम गाइस मैंने 10 बारी इस गेम को ट्राई करके इस गेम का जो आप ये जो हैंडल देख रहे हो उसको मैंने काबू में किया है। तो अब फर्स्ट टाइम इस गेम को खेलेंगे तो ये गेम आपके काबू में नहीं आने वाला है। गेम भी काबू में नहीं आएगा और स्टीयरिंग भी नहीं आएगा, बिकॉज फर्स्ट टाइम मैंने जब इस गेम को खेला था तो काफ़ी दिक्कत आ रही थी। और एक बात बता देता हूँ, जो ये ट्रक आप देख रहे हो इसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आर की स्पीड से ऊपर नहीं जाती है। ठीक है, तो ये ऊपर देखिए SOS लिखा है, इसका मतलब अगर मेरा ट्रक कहीं भी फंस जाता है, किसी मान लीजिए कहीं ऑफ रोडिंग के दौरान फंस जाता है, किसी एक्सीडेंट में फंस जाता है या कोई उसका टायर पंचर हो जाता है तो मैं को अपने मतलब ट्रक को टो करवा सकता हूँ। ठीक है, तो ये एक ये समझिए कि इस मेरे ट्रक की हेल्प हो जाएगी। ठीक है, ओके, तो ये बता दिया मैंने अभी आपको। और ये देखिए ये इसका कैमरा व्यू है। ठीक है, ये फ्री कैमरा है, ये इसका अंदर का पार्ट है। ये देखिए ये इसका अंदर का पार्ट है, आप मिरर में देख सकते हो, आपको पीछे का सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है, सामने का दिख रहा है और ये राइट हैंड इस साइड का देखिए। और इस गेम में क्या है, इस गेम में ट्रक सिमुलेटर अल्टीमेट की तरह तो गेम उतना खास नहीं है, लेकिन अगर हम इस गेम के ग्राफिक और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। वो कैसे, अगर इस गेम के ग्राफिक हम और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो गेम गाइस खेलने में दिक्कत आएगी, ये गेम लैग भी करता है। ठीक है, तो गेम लैग करता है। और अभी देखिए अभी आपको लग रहा होगा कि गेम ये जो ट्रक आप देख रहे हो ये एक जगह पे रुका हुआ, पर ये ऐसा नहीं है। अब जैसे मतलब कि एक्सेलरेशन दोगे ये देखो ये ट्रक स्टार्ट होगा, अपने आप ही ट्रक स्टार्ट हो जाता है। और जब भी इसमें बारिश होगी, जब भी बारिश होगी और बारिश वाला मौसम इसमें दिखाया जाएगा गेम में, तभी ऑटोमेटिकली जो वाइपर देख रहे हो ना ये अपना काम करना चालू कर देंगे। और चीज़ें दिखा देता हूँ। ये देखिए ये जो आपने देखा था ना गराज, तो ये मैं डायरेक्ट गराज में जा सकता हूँ। ये देखिए स्टोर है, तो यहाँ से मैं कोई भी ट्रक परचेज कर सकता हूँ, कोई भी ट्रेलर परचेज कर सकता हूँ। तो अभी मेरे पास ऑलरेडी 3 ट्रक है, तो उन्हीं 3 ट्रकों से मैं अपनी आज की जॉब स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है गाइस, जो किलोमीटर जो दूरी होगी वो बहुत ही कम दूरी की होगी, वो मैं इसलिए ये सिलेक्ट की है क्योंकि मैं आपको बता सकूं, क्योंकि बिल्कुल नया गेम है, अगर आप मैं इसको ज़्यादा लंबा लेके जाऊंगा तो समझ में आएगा नहीं, जब आप लोगों के समझ में आ जाएगा तब मैं इसका धीरे धीरे इसकी जो किलोमीटर होगी उसको बढ़ाता जाऊँगा। तो इम्प्रूवमेंट ये देखिए इम्प्रूवमेंट में मैंने इस ट्रक को पूरी तरह से अपग्रेड कर दिया। ठीक है, ये देखिए जैसे पेंट हो गया, व्हील्स हो गया, बुल बार ये जो सामने आप देख रहे हो ना बुल बार, ये देखो ये जो सामने देख रहे हो आप, ये जो बोनट के सामने देख रहे हो, ये आयरन के जो रोड से आप देख रहे हो ना, ये इसको बोलते हैं बुल बार। ठीक है, तो ये किस लिए होता है, ये ट्रक को कई बार क्या होता कि अब मान लीजिए ये ट्रक को कहीं पे टकराने से बचाता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि ट्रक आपस में मतलब कि एक जगह रोक कहीं अगर उनको रोकना होता, मान लीजिए कोई ट्रक खड़ा हुआ, कोई दूसरा ट्रक आ गया और उसने देखा नहीं ध्यान उसके दूसरे ट्रक को वो टकरा गया, तो ये उससे बचाता है। ठीक है,
रूफ हो गया, ये देखिए रूफ ऊपर मैंने एलईडी लगा दी है और हॉर्न भी है, ये देखिए हम कोई भी इसमें हॉर्न या फिर वो परचेज कर सकते हैं, बिकॉज मैंने ऑलरेडी इसमें सब कुछ करवाया हुआ है। टायर भी इसके बहुत अच्छे क्वालिटी के, ये देखिए टायर मैंने इसमें लगवाए हैं लुक ईयर, लेकिन लुक ईयर नहीं होता, वो गुड ईयर होता है, ठीक है। इसमें लुक ईयर दिखाया गया है, लुक ईयर नहीं होता है, गुड ईयर होता है। जो उस ट्रक का ब्रांड है वो DUF है, ठीक है, ओके। तो ये देखिए, तो अभी गेम को हम मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ये अंदर का भाग है और ये इसका लाइट है, ये देखिए लाइट है इसकी, उसका हॉर्न भी इतना कुछ खास नहीं लगा मुझे। और गाइस देखिए, जो भी इस ट्रक में, जो भी इस गेम के अंदर जो खूबियाँ और जो भी इसमें जो दिक्कत होगी, जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज होगी, वो मैं आपको बताऊंगा। बिकॉज गेम वाले ने मेरे को पैसे नहीं दिए कि लो भाई गेमिंग एंडोज, तुम इस गेम के बारे में सब उसकी अच्छाई भी बताओ, बुराई भी बताओ। मेरे को जो चीज़ सही लगेगी मैं आपको बताऊँगा, मेरे को जो चीज़ सही नहीं लगेगी वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये अब मैं बाहर आ गया हूँ, तो मैं फटाफट से अपनी जॉब सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए, कैरोसिन ले जा सकता हूँ मैं, हार्ड वैक्स ले जा सकता हूँ, जो जितने भी कंटेनर देख रहे हो इनमें कोई ना कोई लिक्विड आइटम हो सकता है, कोई वाटर टाइप का आइटम हो सकता है, इसमें कोई जूस भी हो सकता है। और एग्जांपल मान लीजिए, इसमें कोई जैसे कि अमूल जो होती है ना, वो अपना जो टैंकर, बड़े बड़े टैंकर होते हैं, वो इन इसी टाइप के टैंकर में जो दूध यहाँ से वहाँ सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मैं भी क्या करने वाला हूँ, जो ऊपर जो कैरोसिन है उसको मैं सबसे पहले करने वाला हूँ, ये देखो, ठीक है। तो जैसे ही जर्नी स्टार्ट होगी, इसमें कोई भी टाइमिंग नहीं दी गई है, तो आपको पूरा समय मिल जाएगा कि आप धीरे धीरे इस ट्रक को चला सकते हैं। तो ये देखिए, मैं आपको ट्रक दिखा देता हूँ। ये मेरी जो उसके पीछे जो टैंकर लगा हुआ है, ये कैरोसिन का, इसके अंदर कैरोसिन है, ठीक है। कैरोसिन को आप भली भांति जानते हैं, आग जलाने में काम आता है, और जो स्टोव होते हैं, जो स्टोव जो कि अब पुराने ज़माने में जब हम खाना बनाते थे तब यूज करते थे, आपको अभी भी मिल जाएंगे। आप बाहर जाते हैं कहीं, आपने कोई किसी रेहड़ी पे खाना खाया होगा, तब आपको अच्छे से दिख भी जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अभी मुझे जो मिशन दिया गया है, मुझे कैरोसिन टैंकर लेके जाना होगा। 33.58 किलोमीटर डिस्टेंस होगी इसकी, और ठीक है। तो चलिए गाइज, अब मैं इस यात्रा को प्रारंभ करने जा रहा हूँ, ठीक है, ओके, लेट्स गो। ये देखो, मैं इसको ज़्यादा तेज़ नहीं चलाऊँगा, बिकॉज अगर मैं इस मोड में इस ट्रक को ज़्यादा तेज़ चलाऊँगा तो ये इधर उधर हो जाता है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा। मैंने बताया कि मैंने इस गेम को 10 बारी ट्राई किया, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि इस गेम की और भी वीडियो बनाई जाए, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए। तो चलिए, आप ये देखिए, जैसे कि सामने आपको एरो दिख रही है, जहाँ जहाँ एरो जा रही है, एरो भी है, उसमें आप मैप में भी साफ साफ देख सकते हैं। देखो ये मैप में, ये देखो मुझे, ये देखो यहाँ से जाना है, ये मेरा जो डिपो ही समझ लीजिए, जहाँ से मैंने सेटलमेंट की है, जो ये कैरोसिन का जो टैंकर मैंने अटैच किया है, ये उसका मैप है, ठीक है। तो यहाँ से मेरी स्टार्टिंग पॉइंट हो गई, तो ये ऐसे जाएगा, ये देखिए। अब गैस स्टेशन भी बीच में आएगा, अगर मेरे को ट्रक में ड्राइविंग करते दौरान अगर फ्यूल ख़त्म हो जाता है, या फिर सर्विस की कोई दिक्कत आ जाती है, या फिर मेरे को सोना कुछ खाना पीना है, तो उसका भी इस गेम में बंदोबस्त किया गया है, ठीक है। तो आगे जाके गेम में काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो जो भी ज़रूरी चीज़ें थी मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दी है, तो चलिए फटाफट से गेम को स्टार्ट किया जाए। तो चलो गाइज, जर्नी हो गई अब यहाँ पे स्टार्ट। तो चलिए गाइज, तो गाइज वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। मैंने बताया कि मैं इस ट्रक को ज़्यादा तेज़ नहीं चलाऊँगा, और ये ट्रक गाइज 80 किलोमीटर स्पीड से ऊपर नहीं जाने वाला है। मैंने भले ही इस ट्रक को अपग्रेड कर दिया, लेकिन ये 80 से ऊपर नहीं जाने वाला, ये देखिए। और इस गेमिंग गाइस, जैसे ट्रक सिमुलेटर अल्टीमेट में जैसे मौसम कुछ देर के बाद चेंज हो जाता है, इसमें भी सेम एज इट इज़ हो जाता है, ठीक है। तो मैं अभी इस हाईवे में आ गया हूँ। अब जैसे जैसे किलोमीटर देखिए, जैसे कि अभी ये देखिए इधर उधर जा रहा है, तो ये बैलेंस नहीं कर पा रहा है। तो मैं इसको इसलिए धीरे चला रहा हूँ, बिकॉज धीरे चलाऊँगा तो मैं इस ट्रक को अच्छे से बैलेंस कर पाऊँगा। कोई जल्दी नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं दी गई है, तो किलोमीटर भी बहुत ही कम है।
रेड लाइट क्रॉस करूँगा नहीं, रेड लाइट क्रॉस करूँगा तो मेरे जो चलान कट जाएगा मेरा। और इसमें इंडिकेटर भी नहीं दिया गया, ये भी एक बहुत ही गलत चीज़ है। इंडिकेटर देना चाहिए, उसका जो हॉर्न है वो भी बहुत ही थर्ड क्लास हॉर्न है, अच्छा हॉर्न नहीं दिया गया। सिर्फ एक ही हॉर्न है, एक हॉर्न ट्रक में नहीं होना चाहिए, काफ़ी सारे हॉर्न होने चाहिए। और आजकल तो लोग अपनी जो भी उनको हॉर्न लगवाना होता ट्रक में वो लगवाते हैं, जैसे कि आप इंडियन ट्रक में देखा होगा, जैसे कि गदर जो मूवी थी उसका भी हॉर्न लगवाया हुआ था, जो गड़ी लेके जो गाना था सनी देओल का उसका हॉर्न भी था, और आज भी लोग काफ़ी हॉर्न इसी टाइप के लगवाते हैं। तो भाई चॉइस आपकी है, अगर आपको क्या हॉर्न लगवाना है वो आपके ऊपर होता है, कंपनी पैसा पे करती है आपको। अब गाइस ट्रक को कैसे चलाना वो आपकी ड्यूटी है, ठीक है, ट्रक को ठोकना है या फिर उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाना, बिकॉज पीछे आपके साथ बहुत सारा माल लदा हुआ होता है, तो उसको उसकी जिम्मेदारी भी आपके कंधों पे होती है। बिकॉज आप अगर एक ईमानदार और सच्चे आदमी हैं तो आपको ज़रूर अपनी कंपनी का साथ देना चाहिए। और कंपनी अगर आप अपनी कंपनी के साथ मान लीजिए आप 5 या फिर 10 या फिर 15 साल तक जुड़े रहते हैं, तो कंपनी को भी यकीन हो जाता है कि हाँ ये बंदा बहुत अच्छा है और उस पर विश्वास किया जा सकता है, तो आपको और भी ज़्यादा वो जॉब दे देगा, ठीक है। तो ऐसे ही बेनिफिट बनते हैं, तो इन चीज़ों का फ़ायदा उठा लेना चाहिए। चलिए देखिए, देखो मैं तेज़ बिल्कुल नहीं चलाऊँगा, कोई जल्दी नहीं है, ज़रूरी नहीं कि आज ही पूरा गेम मैं कंप्लीट कर दूँ, ठीक है, ओके। और इस गेम का लिंक भी मैं आपको ज़रूर दे दूँगा। इस गेम में आप देखिए जहाँ जहाँ ये एरो जा रही है ना, मेरे को वहीं जाना है, ये देखो। और इसमें मैं बता देता हूँ गाइस, जो ये स्टीयरिंग दिया गया है ये मुझे हल्का सा इधर उधर करना होता और ट्रक मुड़ जाता है। अगर आप इसको फर्स्ट टाइम चलाओगे तो आप इसको ऑपरेट नहीं कर पाओगे। तो चलिए गाइस, मैं अभी यहाँ पे फ्यूल स्टेशन आ गया हूँ, तो मैं क्यों ना मैं अपने ट्रक में थोड़ा सा फ्यूल भरवा लेता हूँ, बिकॉज हो सकता है कि बीच में कहीं कोई दिक्कत आ जाए। ओके, यहाँ मैंने ट्रक रोक दिया, तो गैस स्टेशन पर मैं अभी क्लिक करने वाला हूँ। वो देखिए, जैसे कि अभी सामने सर्विस स्टेशन दिया गया है, और सर्विस स्टेशन और सामने कॉफ़ी का भी दिया गया, वहाँ पे मैं कॉफ़ी पी सकता हूँ, वो भी किसकी, तो वो मैं बताने वाला हूँ, वो आपके लिए एक सरप्राइज़ होगा, तो आगे चल के पता चलेगा आपको। ये देखिए गैस स्टेशन, तो अभी मेरी जो उसकी टैंकी है ट्रक की, तो वो अभी 77% इसमें शेष है अभी, ठीक है, तो 100% अभी पूरी तरह से ये फिल नहीं हुई है, तो मैं अभी डलवा लेता हूँ, ठीक है। तो अभी मेरा ट्रक हो गया फुल, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी ओके, तो मैं अभी यहाँ पे लाइट भी जला लेता हूँ, तो अभी मैं कोई भी सर्विस नहीं कराऊंगा, बिकॉज सर्विस मैंने कोई भी ट्रक को ठोका नहीं कहीं भी, अगर ट्रक को ठोकता हूँ तब जाके सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है। ये देखो अब ट्रक बड़ा, इसके पीछे जो टैंकर दिया गया वो भी काफ़ी बड़ा, ये देखिए, ये जो मैंने बताया था कि ये आपके लिए सरप्राइज़ होगा। और इसमें आप ये देखिए ट्रक वालों को कौन सी कॉफ़ी मिल रही है, बहुत ही ब्रांडेड कॉफ़ी मिल रही है, वो आप लोगों ने भी पी होगी, और तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कॉफ़ी शॉप आ गई है गाइस, और कॉफ़ी शॉप पर मैं क्लिक करने वाला हूँ, और आपको इसमें कंपनी का नाम भी दिखाया जाए किस कंपनी की कॉफ़ी पी रहे हैं, ठीक है। ये देखो वेलकम टू स्टार टक्स, स्टार टक्स नहीं होता, स्टार बक्स होता है, ठीक है। तो जो स्टार बक्स है ये टाटा की कंपनी है, ठीक है। वुड यू लाइक ए बाइट, तो गाय इतनी अच्छी कॉफ़ी को कौन छोड़ना चाहेगा, कोई भी नहीं छोड़ना चाहेगा। और एक ट्रक ड्राइवर को अगर इतनी बेहतरीन इतनी लग्जरी उसको कॉफ़ी मिल जाए तो गाय सोने पे सुहागा हो जाता, बिकॉज ट्रक वाले बेचारे वो सारा दिन गर्मी पसीना सर्दी में बेचारे वो उलझे रहते हैं, उनके पास कोई भी समय नहीं होता कि वहाँ पहुँच गए तो वहाँ मालिक ने फिर कह दे कि भाई यहाँ जा, वहाँ से यहाँ जा, सारा उनको काम कराते रहते, उनको बिल्कुल पागल बना देते हैं। तब तो उनको पता रेस्ट मिलता सिर्फ रात को, रात को बेचारे वो थोड़ा सा एक खंभा लगा के सो जाते हैं, ठीक है, वो उनकी मजबूरी होती है। अगर वो जो मैं बता रहा हूँ कि वो खंभा का मतलब होता है थोड़ी सी वो एक देसी ठर्रा ले लेते हैं, इससे क्या होता है कि वो सही तरीके से सो जाते हैं, उनको नींद आ जाती है। अगर वो
उसको नहीं लेंगे तो रात को सपने में उनको जो सारी जो सारे दिन उन्होंने जो यात्रा की है वही उनके दिमाग में आएगी। तो देसी ठर्रा लेके वो रिलैक्स होके सो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस, तो अभी जो ये ट्रक देख रहे हो आप, इसमें मैं स्टारबक्स को सिलेक्ट कर देता हूँ। तो इतनी बेहतरीन और लग्जरी कॉफ़ी को कोई भी मिस करना नहीं चाहेगा। तो गाइस मैं अपनी बता देता हूँ कि मैंने अभी तक स्टारबक्स की जो कॉफ़ी है मैंने अभी तक नहीं चखी है, लेकिन मैं इस कॉफ़ी को ज़रूर चखूँगा। मैंने सुना कि बहुत टेस्टी कॉफ़ी होती है, लग्जरी तो है ही लेकिन टेस्टी बहुत ज़्यादा है। ओके, तो मैंने अब कॉफ़ी पी ली है, तो अभी यात्रा को प्रारंभ किया जाए। तो अभी जो मेरी डेस्टिनेशन है वो 16-17 किलोमीटर शेष रह गई है, तो अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं बड़ी आसानी से जा सकता हूँ। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि बारिश जब यहाँ पे स्टार्ट हो गई तो इंटीरियर व्यू पे जाना चाहिए। देखिए देखिए सामने GPS ऑन है, कहाँ कहाँ मेरे को जाना है इसमें साफ साफ देख सकते हो। मिरर भी ओपन है, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई कुछ नहीं है। ठीक है, ओके चलते हैं धीरे से, बड़े प्यार से चलेंगे गाइस, कोई जल्दी नहीं है। ये देखो अभी तक तो गाइस मैं काफ़ी अच्छा ट्रक चला रहा हूँ, बिकॉज मैंने बताया कि आप इसको अगर फर्स्ट टाइम चलाओगे तो आपसे ऑपरेट नहीं होने वाला है। ओके ये देखो, एक गाड़ी मेरे को ओवरटेक करके चली गई है। ओके, अभी सीधी रोड, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी जाए, सीधी रोड में कोई दिक्कत नहीं होती। जो सीधी रोड होती है उसमें जो भी आमतौर पर जो ट्रक ड्राइवर होते हैं वो सही ट्रक चलाते हैं। ठीक है, अब पीछे ट्रेलर जो होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ट्रेलर कैसा है, अगर उस पर कोई हैवी लोड है तब गाइस बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, बिकॉज जो ट्रक ड्राइवर बेचारा परेशान हो जाता है कि बार बार उसको चेक करना पड़ता है। और उसको गाइस अब क्या होता है कि इतने बड़े बड़े ट्रक होते हैं, अब उनकी सेफ्टी भी तो ज़रूरी होती है ना, वो भी बहुत ज़रूरी होती है, बिकॉज उस पर इतना हैवी मटेरियल होने के साथ साथ में बहुत पैसा भी लगा होता है सामान के ऊपर। ठीक है, तभी कोई गाड़ी आ गई, क्यों सामने आ गई वो पता नहीं मेरे को। ओके, तो एकदम से गायब भी हो गई है। ये देखो, मैं जैसे ही स्टीयरिंग को थोड़ा सा हल्का से मैं राइट लेफ्ट करूँगा तो ये ट्रक मुड़ जाता है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा मैं। ओके, तो अभी मैं राइट को मोड़ लेता हूँ। ये देखिए बारिश अब थम गई है, मौसम हो गया क्लियर, और जो बाहर का आप दृश्य देख रहे हो काफ़ी अच्छा सुहाना मौसम हो गया है, बादल भी आप देख सकते हो और रोड भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी लंबे चौड़े रोड हैं। ओके, ये देखो मैंने बताया ना कि अब जरा सा भी अगर इसको थोड़ा सा ज़्यादा आप इसको मोड़ दोगे इसको हैंडल को तो ये काबू में नहीं आएगा ट्रक, और 80 से ऊपर जाने वाला ही नहीं इसकी स्पीड। ओके, अभी तो गए सिर्फ 4 किलोमीटर ही रह गए, अब बस आ ही गए। ओके, सीधा जाना है, अभी ये कोई टैक्सी है। ओके, अभी मुझे रोकना पड़ेगा बिकॉज रेड लाइट हो गई है, रेड लाइट क्रॉस नहीं कर सकते वरना जुर्माना बैठ जाएगा। पहला दिन और पहले दिन ही कंपनी के ऊपर जुर्माना बैठ गया तो वो एक अच्छी बात नहीं होती। ओके, तो मैं अभी साइड में करके कुछ और चीज़ आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। तो मैं यहाँ साइड में लगा लेता हूँ ट्रक को, देखो ये देखो, ये एक और चीज़ दी गई, ये देखिए अब मान लीजिए कि आप यात्रा के दौरान, मान लीजिए कि आप जैसे कि मैं ट्रक चला रहा हूँ और मेरे को अभी एनर्जी की ज़रूरत है, एनर्जी बोले तो मेरे को खाने की ज़रूरत है, फिर कोई चाय चूहे पीनी है, फिर कोई कोल्ड ड्रिंक पीनी है, फिर कुछ खाना पीना है, तो मैं उसको ऑलरेडी ले सकता हूँ। ये देखो मैक्स हो गया, तो पूरा कंप्लीट हो गया है, तो मैं अभी बारी बारी नीचे उतर के खाने के लिए नहीं जाने वाला, बिकॉज अगर आपके पास खाना है तो आप अपने जो खाना है आप उसको एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, तो ये फ्यूल हो गया। ठीक है, फ्यूल के लिए भी आप इसमें देखिए लार्ज कैन और फुल टैंक। ठीक है, तो फुल टैंक पे क्लिक कर देता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है,
फ्यूल के लिए मुझे नीचे उतरना नहीं पड़ेगा, बिकॉज सफ़र है वो रात का भी हो सकता है और दिन का भी हो सकता है। ड्यूरेबिलिटी, ठीक है, ये भी क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या है, जो सर्विस की जो किट होती है वो भी मेरे पास फुली हर एक चीज़ है इसमें, तो कहीं मेरे को रुकने की आवश्यकता नहीं है। बिकॉज सर्विस की जरूरत जब पड़ती है, जब ट्रक में कोई खराबी आ जाती है, उससे पहले जब तक ट्रक चल रहा है तब तक उसको चला लेना चाहिए, ठीक है। ओके, तो अभी यात्रा दोबारा से स्टार्ट हो गई है। अभी मुझे राइट को मोड़नी होगी, ये देखो बड़ी आसानी से टर्न हो जाता ट्रक, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, और मुझे राइट को ही लेना होगा। जैसा कि आप राइट को देख रहे हो ग्रीन डॉट, तो ये देखिए, तो मैं जैसे ही इस ग्रीन डॉट पे लेके आऊँगा तो मेरा मिशन यहाँ हो जाएगा कंप्लीट। ऐसे ही होता ना, अभी देखिए जैसे कि 14 मीटर अभी शेष रह गए हैं। अब जैसे जैसे आप देखिए, जैसे कि ग्रीन कलर का आपको ये फ्लैग दिख रहा है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, मेरी जॉब हो जाए कंप्लीट, कि मुझे जहाँ से मैंने अपनी यात्रा स्टार्ट की थी, जहाँ से मैंने जो ये कैरोसिन का टैंकर उठाया था, पिक किया था, तो वहाँ से मैंने उठा लिया। उसके बाद जो एंडिंग पॉइंट है वो ये पॉइंट है, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे इसको स्टॉप कर देता हूँ, ये देखो स्टॉप हो गया, तो ये देखिए टर्न ओवर कर, ये देखो ये हो गया मिशन कंप्लीट। तो अभी आगे बढ़ा जाए, कोई और ट्रेलर इसके साथ अटैच करते हैं, ठीक है। ये देखो इसमें गाइस और क्या है, देखिए जैसे कि अभी देखिए, अभी एक मिनट देखिए, अभी जैसे बाहर से क्या था कि इसके पीछे अभी कुछ देर पहले इसके पीछे कैरोसिन टैंकर था, अभी वो ट्रक जो ट्रेलर था, जो भी टैंकर था, वो मैंने यहाँ पे कहीं पे शिफ्ट कर दिया, फिर कहीं पे वो मैंने लगा दिया, उसको पार्किंग में लगा दिया है। तो अब मैं दूसरा ट्रेलर चूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, एक्सेप्ट क्वेस्ट, ठीक है। पाइप्स स्मूथ प्लैंक, ये देखो, तो पाइप वाला मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखिए एक्सेप्ट हो गया है। ये देखिए मैप, ये देखो सामिल भी दी गई है, जहाँ पे लकड़ियाँ काटी जाती हैं, ठीक है। सामिल वो होती है, अगर किसी को नहीं पता, जहाँ पे लकड़ियाँ काटी जाती हैं, जो बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठे होते हैं ना, तो वहीं पे सामिल में लकड़ियों को काटा जाता है, ठीक है। ओके, तो चलिए गाइस दोबारा से गेम को स्टार्ट किया जाए। तो मैं यहाँ पे लाइट को जला लेता हूँ। तो मुझे अभी जो ये पाइप्स देख रहे हो, ये आपने रियल लाइफ में भी देखे होंगे, जब भी आप किसी यात्रा पे जाते हैं तो आपने ऐसे ट्रक और ऐसे पाइप ज़रूर देखे होंगे। क्योंकि जो ये पाइप देख रहे हो आप, ये कंस्ट्रक्शन काम में ज़रूरत होती है इनकी, उस काम में इनका काम भी लिया जाता है। अभी देखे कि जैसे कहीं पे अंडरग्राउंड कहीं पाइपिंग करनी है, तो इन्हीं पाइपों का यूज किया जाता है, ठीक है गाइस। तो मुझे अभी देखिए 31 किलोमीटर इसको मुझे छोड़ के आना होगा, पाइप्स को, ट्रक को लेके जाना होगा, और जो एंडिंग पॉइंट है वो रेलवे स्टेशन होगा, ठीक है। तो वहीं कहीं पे मुझे ये इस पाइप को डिलीवर करना होगा। चलिए गाइस फटाफट से गेम को स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट को ले लेता हूँ मैं, ये देखो बड़ी आराम से, कोई जल्दी नहीं होगी, ये देखो। ओह माय गॉड, जिसकी गलती थी वही हुआ, मेरी गलती नहीं थी। मैं बिल्कुल आराम से और धीरे से ट्रक को टर्न कर रहा था, और अचानक से गधे का बच्चा आया, उसने मेरे ट्रक को ठोक दिया। बट कोई बात नहीं, मेरा ट्रक था, उसकी गाड़ी थी, गलती मेरी नहीं थी, गलती उसकी थी। लेकिन रियल लाइफ में भी ऐसा बहुत बारी हो जाता है, तो मैंने कहा कि बड़े बड़े शहरों में बातें होती रहती है, लेकिन रोड पे कभी भी किसी के साथ लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। आपका भी टाइम वेस्ट होता, उसका तो होगा ही होगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप नहीं लड़ना चाहते, तो वो झगड़ना ज़रूर चाहेगा आपसे। ओके, तो यात्रा हो गई दोबारा से, अभी यहाँ पे स्टॉप। ये जो मिशन है, मैं इसको इसी व्यू में कंप्लीट करने वाला हूँ, ताकि आप देख सको ट्रक को पूरी अच्छे से।
जो भी इसके पीछे जो पाइप देख रहे हो, जो लेके जा रहा हूँ, ये देखो ऐसी कलर की वो गाड़ी थी जिसने पीछे से आके एकदम से ट्रक में ठोक दी। अब इसमें ट्रक वाले की गलती है, गाड़ी वाले की गलती है, तो ये बहुत बड़ा लफड़ा और पंगा बन जाता है रोड के ऊपर। बिकॉज़ जो ट्रक वाला है वो कहेगा कि भाई तू गलत है, गाड़ी वाला वो कहेगा तू गलत है। अब किसको सही कहे, किसको गलत कहे। लेकिन इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आ जाती है, तो मैंने कहा कि रोड पे कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा हो भी जाता है तो आप कह दो कि ठीक है जी, चलो कहीं सर्विस स्टेशन पे आपको क्या करवाना, क्या इस गाड़ी का टूट गया है, तो आप उसको सर्विस स्टेशन लेके जाइए। उस ठीक है, अगर उसकी गाड़ी को अगर टच कर भी गया है, वो नुकसान हो भी गया, आप उसकी पेमेंट कर दीजिए। लेकिन ये मत करिए कि आप अगर उसकी पेमेंट दे रहे तो और कह रहे थे कि ले भाई ये पैसे पकड़ और अपना करवा ले, वो एक एटीट्यूड हो जाता जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो वो एक अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। आप भी एक जिम्मेदार नागरिक आपको बनना चाहिए। ठीक है, जो ट्रक ड्राइवर वो एक गरीब आदमी है बेचारा, वो अपना सारा दिन 11-12 घंटे नौकरी करता है ट्रक में, ठीक है, ट्रक चला के, तो उसको भी देखना चाहिए। ठीक है, ओके। जैसा कि मैं कह रहा था कि 80 किलोमीटर से ऊपर नहीं जा रहा ट्रक, ये देखो। मैंने ट्रक इसलिए रोका था बिकॉज जो बाहर वाला व्यू था उससे ट्रक दाएं बाएं जा रहा था और ट्रक ये आउट ऑफ कंट्रोल। और इसमें क्या है कि इसमें आप इसमें सेटिंग भी नहीं दी गई कि स्टीयरिंग को मैं थोड़ा सा स्टेबल कर सकूं, ऐसी भी सेटिंग इसमें नहीं दी गई है। ओके, तो मुझे अभी एक फ्लाईओवर आ गया है और देखिएगा बहुत तेज़ बारिश में अभी यहाँ पर स्टार्ट हो गई है, बहुत ही तेज बारिश हो रही है, आप देख सकते हो। ओके, बारिश में गाइस सबसे ज्यादा खतरा गाड़ियों में ये होता कि बारिश में जो रोड होती है ना वो गीली हो जाती है। गीली होने के साथ साथ में क्या होता है, जो टायर होता है ना वो कई बार क्या होता है, टायर फिसल जाता है। तो कभी भी आप ये मत करिए कि आपको तेज़ चलानी है गाड़ी, आप कोई हाईवे है बिल्कुल खाली है, बिल्कुल मलाई जैसा रोड है, बिल्कुल साफ रोड है, उस पर कोई भी ये नहीं चाहता कि वो धीरे चलाए, सब यही चाहते हैं कि इस पर गाड़ी बिल्कुल उड़ा दे। ठीक है, तो उस पर कभी भी जब बारिश हो रही है तो जो मैंने बताया कि कई बार जो टायर होता है उसकी ग्रिप नहीं बन पाती है, तो इस वजह से भी एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाता है। देखिए अभी रेड लाइट थी तो अभी थोड़ी देर में ग्रीन होने वाली है। ओके, जो येलो कलर की लाइट होती है इसका मतलब आप लोग सब जानते होंगे गाइस, अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। येलो लाइट का मतलब होता है कि गेट रेडी, अब तैयार हो जाइए, अब ग्रीन लाइट होने वाली है। ठीक है गाइस, ओके, तो दोबारा से भी यहाँ पे रेड लाइट हो गई है, मैंने पीछे ही रोक दिया बिकॉज मैं देख नहीं पाऊँगा ना, तो मैंने ज़्यादा आगे रोक दिया। देखिए अब जो ग्रीन की थी वो दिख रही, जो ऊपर रेड की थी वो नहीं दिख रही थी ना, उस वजह से मैंने पीछे ही रोक दिया था। ओके, तो अभी यहाँ पे रात भी हो गई और बारिश भी बहुत तेज हो रही है गाइस, देखो कितनी तेज बारिश हो रही है, कितना सुहाना मौसम है, कितना प्यारा मौसम है गाइस। तो अब का जो दिल्ली वाले जो भी गुड़गांव में जो लोग रहते हैं वो यही करते हैं कि अगर बारिश का मौसम हो गया तो कोई बिल्कुल भी किसी चीज़ की फिक्र नहीं करता, अपना गाड़ी उठाई, बाइक उठाई, स्कूटी उठाई, जो भी उसके पास जो भी साधन है वो अपने बच्चों को ले जाके उसको जो बारिश हो रही है उसको वो एंजॉय कर दे। बारिश को एंजॉय करना चाहिए, लेकिन अभी बारिश का ऐसा सीजन आ गया कि बारिश का सीजन अभी क्या कि अब मौसम चेंज हो रहा है धीरे धीरे, बिकॉज अभी अगस्त मंथ है वो भी अभी जाने वाला है, तो अगस्त के बाद मौसम चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, तो इस चीज़ का भी आप खास तौर पे ध्यान रखिए। ठीक है, अगर आपका बच्चा बारिश में भीग गया है लेकिन
ज़्यादा नहीं भीगना चाहिए, अगर ज़्यादा भीग गया तो बच्चे को बुखार होने का खतरा बढ़ जाता है। और आजकल तो गाइस बहुत खतरनाक बुखार भी आ गया है, अफ्रीकन स्वाइन फ्लू, तो उससे भी आप अपने बच्चों को बचा के रखिए। मैं डरा नहीं रहा, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ जो कि आप लोगों के लिए ज़रूरी जाननी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? ओके, तो मुझे अभी लेफ्ट को लेना होगा और उसके बाद क्या हो कि मेरी जॉब, मेरी शिफ्ट यहाँ पे हो जाएगी ख़त्म। ये देखो, ख़त्म होने के बाद गाइस आप कुछ भी कर सकते हैं, आप रेस्ट ले सकते हैं, अगर आपको कहीं सोना है सो सकते हो गाइस, वो ज़बरदस्ती थोड़ी होती है कि आपको 24 घंटे ट्रक चलाने हैं, आपको परिवार भी होता है। ये देखो, ठीक है गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मैंने ये जो वीडियो बनाई थी आज, ये वीडियो काफ़ी अच्छी बनाई है मैंने, काफ़ी चीज़ें मैंने इसमें डिफाइन की है आप लोगों के लिए बताया, बिकॉज मैंने बताया कि आप इस गेम को फर्स्ट टाइम खेलेंगे तो आप नहीं खेल पाओगे, आपको कम से कम, मैंने इस गेम को 10 बार ट्राई किया है, इसके स्टीयरिंग को कंट्रोल करने की कोशिश की है, फिर मैंने डिसाइड किया कि ये किस तरीके से इसका स्टीयरिंग और कंट्रोल में आएगा, बिकॉज मैंने जब देखे जो ये वाला व्यू है, ये बाहर का व्यू, ये वाला व्यू है जो मैं ये देख रहा था कि वो इधर उधर घूम रहा था, सांप की तरह कभी राइट जा रहा, कभी लेफ्ट जा रहा था, वो ऐसे ट्रक कभी भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है? तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको ये अमेजिंग गेम प्ले वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। गाइस कीप वॉचिंग गेम एंडोस, थैंक यू, गुड बाय।